हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू वी लर्न। आज हम क्लास सिक्स मैथ्स का चैप्टर नंबर वन नोइंग आवर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये इसका फर्स्ट पार्ट है। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक दो दो दिन के बाद आपको वीडियो मिलती रहेगी, यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करके। और जैसा कि आप जानते हैं, आपका सिलेबस चेंज हुआ है, रैशनलाइज हुआ है, तो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं आपके बुक में से। तो ये जो चैप्टर है इसमें भी सिर्फ दो ही एक्सरसाइजेज अब आपके लिए रही हैं, उनको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि नंबर्स क्या हैं, नंबर्स के बारे में हमने यहाँ पर क्या क्या जानना है। तो शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट टॉपिक से। यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स। नंबर्स को कंपेयर करना है। नंबर्स को कंपेयर करने का मतलब है कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, इसकी बात करते हैं। तो ये ट्राई दीज यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 2 में है ये आपकी बुक में, इसको हम करके देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो। हर एक क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है इंस्टेंटली, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए। जल्दी से आप कैसे पता लगा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इनको एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें आपको जल्दी से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट्स अलग अलग हैं, और आप जानते हैं कि जिस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो सबसे बड़ा, और जिसमें सबसे कम होंगी वो सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिजिट्स इसमें आ रही हैं, ये सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे छोटा नंबर ये है, इसमें सबसे कम डिजिट्स आ रहे हैं। तो इन्हें ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे, लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर 59785, और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर है 1818। इसमें 2 ही डिजिट्स हैं, सबसे कम डिजिट्स हैं, इसलिए ये सबसे छोटा नंबर है, और यहाँ पर इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं इसलिए ये सबसे बड़ा नंबर है। तो डायरेक्ट डिजिट्स को देखकर आप पहचान सकते हैं, सबसे ज़्यादा डिजिट्स जिसमें होंगी वो सबसे बड़ा नंबर होगा, सबसे कम डिजिट्स वाला सबसे छोटा नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर भी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताने हैं। सबसे बड़ा नंबर बताने के लिए सबसे ज़्यादा डिजिट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर हैं, वो है इसमें। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर में हम लिख देंगे 89423, और स्मॉलेस्ट नंबर में, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे कम डिजिट्स कहाँ हैं, तो सबसे कम डिजिट्स यहाँ भी आ रही हैं, यहाँ भी आ रही हैं, 33 डिजिट्स हैं इन दोनों में। अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है उसको कैसे पहचानेंगे, पहले तो डिजिट्स देखनी होती हैं। डिजिट्स अगर सेम आ जाएं तो उसके बाद एक एक डिजिट आप लेते जाते हैं लेफ्ट साइड से, और उस तरह से आप कंपेयर करते जाते हैं कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो यहाँ फर्स्ट डिजिट है 1, यहाँ फर्स्ट डिजिट है 3। 1 आप जानते हैं छोटा है और 3 बड़ा है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पर जो आ रही है वो 1 है। स्मॉलेस्ट नंबर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखें, यहाँ भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर सबसे ज़्यादा डिजिट्स वाला साफ साफ नज़र आ रहा है, 75,284। और स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए फिर 3 डिजिट्स में 2 नंबर्स हैं यहाँ पर, इन दोनों में से सबसे छोटा देखना है। उसके लिए फिर फर्स्ट डिजिट देखें तो 1 है, यहाँ पर ये 4 है, तो 1 वाला आपका स्मॉलर नंबर होगा। तो यही लिखेंगे 111111, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ भी ग्रेटेस्ट नंबर देखें तो यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 5 डिजिट्स हैं, और यहाँ 3 डिजिट्स हैं। तो 5 डिजिट्स यहाँ पर आ रही हैं, ये सबसे बड़ा नंबर हो गया 12002, और स्मॉलेस्ट ये आ गया जिसमें 3 डिजिट्स हैं 124124। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स आप देख सकते हैं, और ईजिली आप बता पाए क्योंकि डायरेक्टली हमें डिजिट्स देख कर ही पता चल रहा था कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। इसके बाद इसी पेज पर एक और एक्सरसाइज है छोटी सी, जिसमें फिर से ट्राई दीज लिखा हुआ है, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स बताने हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट्स वैसी डिफरेंट नहीं है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में थी। तो इनको भी एक एक करके देखते हैं। ए पार्ट है ये, इसमें आप देख सकते हैं 4 डिजिट्स यहाँ हैं, 4 डिजिट्स यहाँ हैं, 4 डिजिट्स यहाँ हैं, और 4 डिजिट्स ही यहाँ पर हैं। तो जब डिजिट्स सेम हो तो हम डायरेक्टली देखकर पता नहीं लगा सकते
कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। तो जब डिजिट सेम है तो हम पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे। तो फर्स्ट डिजिट आप देख रहे हैं सब में 4 है, तो ये तो सेम हो गई। सेम हो गई तो फिर सेकंड डिजिट देखेंगे, यहाँ पर है 5, 8, यहाँ 3, यहाँ 4। 5 एरो भी लगा लेता हूँ मैं, 8, 3 और 4। तो फर्स्ट डिजिट सेम थी तो सेकंड डिजिट देखनी पड़ी। सेकंड डिजिट में हम देखें सबसे बड़ी डिजिट कहाँ आ रही है, तो वो है 8, बाकी में 5, 3 और 4। तो सबसे बड़ी डिजिट जहाँ आ रही है वही सबसे बड़ा नंबर होगा। ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4892, और स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे छोटी वाली डिजिट देखें तो वो यहाँ पर है, ये 3। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा 4370, 4370। तो इस तरह से ये ए पार्ट आप कर सकते हैं। बी पार्ट में यहाँ भी आप देख सकते हैं सभी में 5 डिजिट्स हैं। जब सेम डिजिट्स हो गई तो एक एक करके हमें डिजिट लेनी पड़ेंगी। सब में फर्स्ट डिजिट जो है वो 1 है, तो फर्स्ट डिजिट से पता नहीं चल रहा है। सेकंड डिजिट देखें तो फिर वो भी 5 आ रही है, सब में सेम आ रही है, सेकंड डिजिट से नहीं पता लगा। तो थर्ड डिजिट पे जाएंगे, यहाँ है 6, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 8। तो लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर के लिए सबसे बड़ी डिजिट, लार्जेस्ट डिजिट देखनी है तो वो यहाँ पर आ रही है, ये 8। तो यही ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, 15800, 15800, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। और स्मॉलेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट देखें थर्ड वाली ही, तो वो यहाँ पर है स्मॉलेस्ट 0। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 15073। तो बस आपने ये 10 डिजिट्स होती हैं, इन्हीं को यूज़ करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सभी नंबर्स इन्हीं 10 डिजिट्स से बनते हैं, उसमें आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट आपने पहचान पे जाना है। नेक्स्ट पार्ट इसी में है, इसमें भी आप देख सकते हैं 5 डिजिट्स हैं सब में। फर्स्ट डिजिट यहाँ सब में 2 है, तो यहाँ से हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सेकंड डिजिट पे पहुंचेंगे, वहाँ सब में 5 नज़र आ रहा है, सेकंड डिजिट भी सेम हो गई। तो थर्ड डिजिट देखेंगे, वो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो थर्ड डिजिट भी सेम हो गई। तो फोर्थ डिजिट से हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, इससे हम कंपेयर कर पाएंगे कौन सा सबसे बड़ा है। तो फोर्थ डिजिट में यहाँ पर है 8, इसमें है 4, यहाँ 7, यहाँ 1। तो सबसे बड़ी डिजिट जो आ रही है वो यहाँ आ रही है 8। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 25286, 25286। और स्मॉलेस्ट के लिए यहाँ 8 था, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 1, स्मॉलेस्ट डिजिट ये है 1। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 25210। इस तरह से ये आप सी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट पार्ट इसमें है डी। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 डिजिट्स हैं, उसके बाद सब में 5 डिजिट्स हैं। तो जिसमें 4 डिजिट्स हैं वो तो सबसे छोटा हो गया, क्योंकि सबसे कम डिजिट्स हैं। तो इसको आप डायरेक्टली स्मॉलेस्ट में लिख सकते हैं, 6895, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और लार्जेस्ट के लिए अब इन तीनों में कंपेरिजन करना पड़ेगा। इन तीनों में अगर देखें हम, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट है 2, 2, 2, सेकेंड डिजिट देखनी पड़ेगी 3, 4, 4। तो यहाँ 3 आ रही है तो ये छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों में 4, 4 है, ये दोनों बड़े हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन सा बड़ा है उसके लिए हमें थर्ड डिजिट एक बार और देखनी पड़ेगी। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 6। एक बार फिर समझ लो, यहाँ पर पहली डिजिट हमने देखी तो सब में 2, 2, 2 था, तो फर्स्ट डिजिट से हमें पता नहीं चला। उसके बाद जब हमने सेकेंड डिजिट देखी तो वो यहाँ थी 3, यहाँ 4, यहाँ 4। तो इसमें ये 3 वाला छोटा हो गया, लेकिन हमें तो ग्रेटेस्ट नंबर देखना है अभी कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है। तो बड़ा इन दोनों में से कोई होगा, या तो ये वाला या ये वाला। उसके लिए हमें थर्ड डिजिट फिर देखनी पड़ी, और थर्ड डिजिट यहाँ पर है इसमें 5 और इसमें 6, और बड़ी वाली जो डिजिट है वो यहाँ पर है ये 6। इसलिए जो ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पर वो हो गया 24659, ग्रेटेस्ट नंबर 24659। तो यहाँ पर आज हमने अलग अलग
ग्रुप ऑफ नंबर्स जो दिए थे उसमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पहचानना सीखा। दो तरीके से पहचानते हैं, पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स अगर कम हैं, सबसे कम हैं, वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। डिजिट्स सबसे ज़्यादा जिसमें हैं वो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह के ये तीन चार हमने क्वेश्चंस देखे। उसके बाद अगर डिजिट्स सेम हों तो क्या करें, तो उसके लिए हमें एक एक डिजिट करके आगे बढ़ना होता है लेफ्ट साइड से, और उस तरह से हम कंपेयर करते जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी डिजिट आपको पहले मिल जाए वो सबसे बड़ा, और जिसमें सबसे छोटी डिजिट मिल जाए वो सबसे छोटा यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है। तो इस तरह से हमने ये ट्राई दीज जो पेज नंबर 2 में थे ये कंप्लीट किए। इसे आप कंप्लीट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट करके इजीली हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी मैथ्स की, साइंस की आप देखते हैं कि पूरा का पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। एक एक टॉपिक लेकर छोटी छोटी वीडियोज़ में, ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ और अगली वीडियो देखने से पहले पिछला आप कंप्लीट कर पाएँ। इस तरह से हम इसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।